devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand, bang, got my hand. Okay, तो और मेरे भाई लोग कैसे हो तुम, फिर से बोल चुको आप लोग के लिए BGMI की और भी एक कमाल की वीडियो लेकर। और भाई आज की वीडियो में मैं भाई लोग आप लोगों को फिर से एक बार M24 की हेडशॉट ट्रिक बताने वाला हूँ। अब भाई आप लोगों को शायद पता होगा कि 2.0 अपडेट के बाद भाई M24 को पूरी तरीके से भाई पबजी वालों ने चेंज कर दिया है। साउंड को तो भाई काफी ज्यादा घटिया इन लोगों ने कर दिया है, और साथ साथ ना भाई एक चीज मैंने अभी नोटिस किया है कि M24 से भाई इतना ज्यादा हेडशॉट अभी कनेक्ट नहीं होता। बात तो सही है लेकिन भाई साहब इस हालत में भी मैं भाई लोग को आप लोगों को आज M24 की ओनली हेडशॉट ट्रिक बताने वाला हूँ। इन ट्रिक्स को अगर भाई आप एक बार सीख जाते हो भाई इस घटिया अपडेट के बाद भी भाई आप M24 से टपाटप भाई हेडशॉट मार पाओगे, तो कोई भी बकलोली नहीं होने वाला इस वीडियो में। ओनली भाई मैं भाई लोग आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ। तो हाँ, M24 से हेडशॉट मारने के लिए भाई काफी चीजें आप लोगों को समझना होगा, जानना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को भाई ध्यान से पूरा का पूरा देखना। अपने हिसाब से अपने तरीके से मैं भाई आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है भाई आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो भाई आप यहाँ पर नंबर बात नहीं करेंगे, फटाफट से भाई इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो भाई अब पॉइंट नंबर 1। अब देखो भाई क्लोज रेंज में स्नाइपिंग करने के लिए, क्लोज रेंज में स्नाइपिंग मास्टर बनने के लिए जो सबसे मेन चीज होता है वो होता है भाई मूवमेंट। सामने वाले बंदे के सामने अगर भाई आप एक प्रॉपर मूवमेंट देते हो तब भाई सामने वाले बंदे के लिए भाई मुश्किल हो जाएगा आपको वहां पे फिनिश करना। बिल्कुल ऐसे मूवमेंट दो कि सामने वाला बंदा आपके मूवमेंट को ट्रेस ना कर पाए, और मतलब भाई सामने वाला बंदा समझे ना कि भाई आप किस तरीके का मूवमेंट दे रहे हो। अलग अलग तरीके का मूवमेंट भाई आप लोगों को देना है। लेकिन भाई अब बात आती है कि आप लोगों को मूवमेंट को फास्ट कैसे करना है, एंड अलग अलग टाइप से भाई आप कैसे मूवमेंट दे सकते हो। अब भाई मूवमेंट को फास्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सेंसिटिविटी को भाई थोड़ा सा हाई करना होगा, ठीक है। अब अगर भाई आप लो सेंसिटिविटी में खेलते हो तब भाई आप लोगों को अपने सेंसिटिविटी को थोड़ा सा हाई करना होगा। अब भाई सेंसिटिविटी का फंडा खत्म, अब आप लोगों को क्या करना है भाई, जो मूवमेंट है ना वो भाई आप लोग को खुद से फास्ट करना है, ठीक है। ये भाई मतलब कंट्रोल वगैरह अगर आप चेंज करते हो उससे भाई कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर भाई आप 3 फिंगर खेलते हो तब भाई 4 फिंगर में शिफ्ट कर सकते हो, अगर भाई 4 फिंगर खेल रहे हो तब भाई 5 फिंगर में शिफ्ट कर सकते हो। अपने उंगलियों को जितना फास्ट भाई आप चलाओगे आपका मूवमेंट भाई उतना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर भाई आप लोगों को मूवमेंट फास्ट करना है, हमेशा भाई आप लोगों को इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है कि भाई आपको भाई अपने जो उंगली है उसको भाई फास्ट चलाना है, ठीक है। जितना हो सके भाई आप लोगों को फास्ट मूवमेंट देने की कोशिश करना है। बाकी देखो भाई सेंसिटिविटी को भाई आप लोगों को थोड़ा सा हाई रखना है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं भाई, पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो भाई आपके ऊपर है। ओके, तो भाई अब पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 में मैं भाई लोग आप लोगों को बताऊंगा कैसे भाई आप लोगों को M24 में हेडशॉट कनेक्ट करना है। अब काफी सारे भाई लोग बोल रहे थे कि भाई अपडेट के बाद M24 से भाई हेडशॉट इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं होता। जी हाँ भाई, आप लोग सही हो, इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं होता हेडशॉट। काफी ज्यादा चेंज कर दिया है इन लोगों ने M24 को, लेकिन भाई टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा भी, ठीक है, हेडशॉट ट्रिक। ओके, तो भाई अब ये जो ट्रिक मैं भाई लोग आप लोगों को बताने वाला हूँ ये भाई सच में ये ट्रिक वर्क करता है, ठीक है। आप लोग यूज करके देखना भाई, वर्क करता है, ठीक है। ओके, तो भाई सबसे पहले आप लोगों को कोशिश करना है जो क्रॉसियर है ना वो हमेशा भाई बंदे का जो हेड है उसके ऊपर रहे, थोड़ी सी ऊपर रहे, देखो इस पोजीशन में हो, ठीक है। अब जैसे भाई इस पोजीशन में क्रॉसियर आ जाता है तुरंत आप लोगों को क्राउच वाला बटन एंड भाई जो फायर वाला बटन है उसमें एक साथ टैप करना है, और जैसे भाई आप ऐसा करोगे जैसा कि भाई आप यहाँ पे देख सकते हो। अब काफी सारे बंदे भाई हेड पे लेके चलते हैं क्रॉसियर को, तो वैसे आप लोगों को करना नहीं है, ठीक है। आप लोगों देखो कुछ इस प्रकार से भाई हेड से भाई थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है, एंड जो क्राउच वाला बटन है जब भाई आप फायर करो तब भाई आप लोगों को जो क्राउच वाला बटन है उस पर टैप करना है, ठीक है। अब उससे क्या होगा, जैसे आप क्राउच करोगे जो क्रॉसियर है वो भाई थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, एंड भाई वो जाके मतलब जो बुलेट है वो जाके भाई सीधा हेड पे लगेगा, एंड बंदा जो वहाँ पे भाई एक ही झटके में फिनिश हो जाएगा। ओके, तो अगर भाई आप बोलते हो कि भाई तूने तो ये दिखा दिया भाई बंदे को आमने सामने बैठा के भाई आराम से करके दिखा दिया, लेकिन भाई हम इस चीज़ को मैच में कैसे करेंगे। ओके, तो भाई आप इस हेडशॉट ट्रिक को भाई प्रैक्टिस करने के लिए मैं भाई लोग आप लोगों को कुछ सीक्रेट ड्रिल बताऊंगा, ठीक है। जिन ड्रिल को भाई आप लोगों को हर रोज 10 से 15 मिनट, अगर हो सके भाई थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना, ठीक है, 10 से 15 मिनट भाई आप लोगों को हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहना। ड्रिल तो भाई लोग आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा, उससे पहले भाई आप लोगों को जो क्रॉसियर प्लेसमेंट है उसे भाई आप लोगों को सही करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि क्रॉसियर को हमेशा भाई हेड के ऊपर रखने की कोशिश करना है, तो या भाई हेड के ऊपर रखने की कोशिश करो हमेशा।
ओके तो भाई अब ड्रिल नंबर वन, सबसे पहले भाई आप लोगों को आ जाना ट्रेनिंग ग्राउंड में, ठीक है। आप यहाँ पे आने के बाद देखो जहाँ पे भाई आप लोगों को बॉट के द्वारा भाई ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वहाँ पे भाई लोग आप लोगों को आ जाना है। अब इस चीज़ को कस्टमाइज करके आप लोगों को लेवल 3 पे रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो लेवल 3 पे रखने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे भाई जब तक भाई आप हेडशॉट कनेक्ट नहीं करोगे तब तक भाई जो बॉट्स है उसको भाई 1% भी डैमेज नहीं होगा। तो इसीलिए भाई आप लोगों को यहाँ पे भाई डिफरेंट 3 को सिलेक्ट कर लेना है, एंड भाई कुछ इस तरीके से भाई आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करना है जिस तरीके से मैं भाई यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोशिश करना है आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके भाई उतना ज़्यादा हेडशॉट कनेक्ट करने की। हर रोज़ भाई आप लोगों को इस चीज़ को मतलब 2 से 3 राउंड भाई प्रैक्टिस करना है। इससे भाई आपका जो हेडशॉट का परसेंटेज है वो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, काफ़ी ज़्यादा भाई इंप्रूव होने वाला है, ठीक है। ओके तो भाई अब देखो ड्रिल नंबर 2, ठीक है। अब ड्रिल नंबर 2 को करने के लिए भाई लोग आप लोग को यहाँ पे आ जाना है, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग को सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे भाई लोग 20 मीटर को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। अब हेल्थ ऑफ द टारगेट ये जो भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मूवमेंट को आप लोगों को 50% रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे वैलोग आप लोगों को आ जाना है, एंड क्रॉस ईयर को वैलोग आप लोगों को एम के हेड के ऊपर के तरफ रखना है, ठीक है। देखो मैं जिस तरीके से यहाँ पे क्रॉस ईयर को रख रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से वैलोग आप लोगों को क्रॉस ईयर को रखना है, एंड जब भी वैलोग आप फायर करो तब वैलोग आप लोगों को जो क्राउच वाला बटन है उस पर टैप करना है, ठीक है। जैसे आप ऐसा करोगे आपका क्रॉस ईयर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, एंड वहाँ पे जो भाई हेडशॉट है वो आराम से वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और इस वाले प्रैक्टिस को भाई आप पहले नो जिगल में प्रैक्टिस करो, उसके बाद भाई थोड़ा थोड़ा जिगल देके प्रैक्टिस करो, उसके बाद भाई आप थोड़ा सा इसका जो स्पीड है उसको भाई इंक्रीज कर दो, एंड उसके बाद भाई प्रैक्टिस करो, और ये मतलब ये जो चीज़ है ना इस चीज़ में भाई आप यहाँ पे मास्टर बन जाओगे। उसके बाद भाई लोग आप लोग भाई यहाँ पे पीक वाला जो बटन है उसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से मैं जिस तरीके से यहाँ पे कर रहा हूँ, इस तरीके से भाई यहाँ पे आप भाई पीक वाला जो बटन है उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद जो चीज़ आता है वो होता है भाई बंदे का जो मूवमेंट है भाई उसको आप लोगों को ट्रेस करना। तो अब भाई आप बोलो कि इस चीज़ को हम कैसे करें, तो सबसे पहले देखो भाई मैं यहाँ पे आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद पीक किया, फायर किया, बंदे को यहाँ पे शॉट कनेक्ट नहीं हुआ। अब मेरे को पता था बंदा इधर से आने वाला है, मैं पीक करके रेडी था, और जैसे भाई बंदे का हेड यहाँ पे आया मैं पटाक से भाई बंदे को यहाँ पे हेडशॉट मार दिया। एक अच्छा क्वालिटी के हेडफोन आप लोगों को यूज़ करना है, एंड भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब कहाँ से भाई बंदा जिगल मार सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग पीक को रेडी करके रख सकते हो, मतलब क्रॉस ईयर को रेडी करके रख सकते हो, और क्रॉस ईयर से ज़्यादा भाई आप लोगों को बंदे पे फोकस करना है। यहाँ पे भाई आप एक और एग्जांपल देख लो। सबसे पहले भाई मैं यहाँ पे आया, भाई बंदे को फायर किया, बंदे को यहाँ पे शॉट कनेक्ट नहीं हुआ। मेरे को पता था बंदा राइट की तरफ से कूदने वाला है, मैं राइट की तरफ भाई रेडी था क्रॉस ईयर को लेके, और जैसे भाई बंदे का हेड क्रॉस ईयर के ऊपर आया तुरंत भाई मैंने यहाँ पे फायर कर दिया और बंदा भाई खलास। तो भाई आप इन सारे के सारे ड्रिल को प्रैक्टिस करो भाई, सच में आप M24 में मास्टर बन जाओगे, ठीक है, अगर भाई आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो। बाकी भाई इस वाले वीडियो में बस इतना ही भाई, बहुत लंबा हो गया वीडियो मेरे को पता है, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही भाई, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सारे भाई मिलकर जाओ एंड भाई वीडियो में एक एक लाइक कर दो, और इसी तरीके का और भी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भाई ऑल पे कर दो। तो और बोलो मैं मिलता हूँ कुछ इंटरेस्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।